If whoever comes, this is the only thing to do. Sunday. अरे भाई वो तो उधर सब भीड़ लगी है। अरे वो मेला कम करो उधर। अरे भाटो अरे आगे से हट जाओ यार। ये भाई इधर बुला ना, ये बाइट बहुत अच्छी देता है। हार्दिक ऑन कर देना भाई। अरे यार हार्दिक ऑन कर देना वो। अरुण अरुण ऑन कर दे हार्दिक। अरे अरुण नीचे बैठ ना। हट जाओ भाई साहब, बैठ जाओ बैठ जाओ। इसको हटा, ये आगे से हट जाओ यार सब लोग। अरे हटो सिक्योरिटी। ईटीवी ईटीवी ओ ईटीवी संजी साइड में आ गए। अरे जैकेट में बूम बूम बूम। अरे उसको मारने इधर करने वाले, इधर धरना करने वाले सब इधर है। अरे भाई इसको बुला इधर। प्रशांत जी बुलाओ। विदु सर, सर विदु सर ए गार्डन रिपोर्टर्स तो हट जाओ यार। इधर से हट जाओ मेरी नाल। अरे यार 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 अरे फिर गई। बाइट ले लूबरा अभिनव फिल्म मामी जो है ये मुंबई का फेस्टिवल है एज वी ऑल नो। एंड इसमें हम सब जो मुंबई में, क्योंकि हमारा सब सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है, बॉलीवुड बॉम्बे में है, तो यहाँ इस फेस्टिवल का होना बहुत लाजमी है। क्योंकि जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं, हम भी हैं, वो ये सिनेमा देखते हैं और उससे हमारा सिनेमा प्रभावित होता है और उस सिनेमा से हमारा सिनेमा बेटर होता है।
तो मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े जो फेस्टिवल्स होते हैं कैन में, बर्लिन में, वहाँ जा सकते हैं कोई लोग, पर जो हमारे ढेर सारे फिल्म मेकर हैं जो अब इतनी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, पर्टिकुलरली वो जो अंधेरी, वर्सोवा, ओशिवारा बेल्ट में, तो ये पूरा सिनेमा उनके घर के पास आता है। तो मैं समझता हूँ इस फेस्टिवल में बड़ा योगदान है कि ऐसा। अरे कैसे हैं आप, बोलिए। जी देखिए, ये फेस्टिवल की प्रॉब्लम नहीं है, ये इस वक्त हमारे देश की समस्या है कि हमको क्या करना चाहिए। हम सब कंफ्यूज घूम रहे हैं क्योंकि क्या हमको आर्टिस्ट और टेररिज्म को अलग नज़रिए से देखना चाहिए कि एक नज़रिए से देखना चाहिए। इसमें सिर्फ मामी फेस्टिवल तो उसमें एक छोटा सा बिंदु है, हल्का सा एक कतरा है उस दरिया में जिसमें इतना तूफान उठा है। My view is that everybody should go to the Mami festival and see the film. That is my view today. Absolutely. I am not going to talk about it. Haan ji? Aaj sirf Mami ki baat ki thi, itna bada festival, itne logo ne itni mehnat karke festival kiya. Let's talk about it. Let's celebrate Mami. This is the historic opera house today. It comes alive after 23 years. What do you have to say on that? You know, I have to tell you that you guys were here, but I had to go in and see. I normally don't do that. I respect the press. I first talk to you. But I couldn't resist the temptation of going in. And it is absolutely astounding. Have you seen it? No, we haven't. Please see it. Please see it. I think if I was doing this, I would let you go one by one. You have to see inside. It's absolutely incredible. It took me back to times when I came from Kashmir as a little kid and I wanted to see Opera House, you know. It's almost nostalgic. It's taken me back to my days of struggle and coming here to Charni Road in a local train and buying a ticket and seeing the opera. So it's even better than what it was. It's wonderful. Viduji, आपने कश्मीर का जिक्र किया, गया साल एक दल आया था, एक डेलीगेशन था बच्चों का जो कश्मीर से आया था। क्या इस बार कुछ सरप्राइजेस हैं? जी इस बार हम लास्ट टाइम कश्मीर से डेलीगेशन आया था, इस बार भूटान से डेलीगेशन आया। भूटान भी मेरे लिए उतना ही प्यारा है जितना कश्मीर है। मैं कश्मीर को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन मैं जब भूटान जाता हूँ तो मुझे कश्मीर भी भूल जाता है, क्योंकि भूटान मेरे लिए एक दूसरा कश्मीर है, मेरा दूसरा घर है भूटान, ऐसा मैं समझता हूँ। डीप डाउन आई एम बुद्धिस्ट। सो इस बार भूटनीज लड़कों को बुलाया है, उनको हमने स्पॉन्सर किया है, उनको हमने पर्सनली स्पॉन्सर करके यहाँ बुलाए हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर हैं जो मिस्टर सिंह टोंगे, उनका मैं आभारी हूँ। आई होप ये भूटान में चले और वो सुने ये मेरी बात। दैट आई एम ग्रेटफुल टू द रॉयल हाइनेस ऑफ भूटान एंड टू द प्राइम मिनिस्टर हु इज अ पर्सनल फ्रेंड सिंह टोंगे, एंड आई एम सेइंग थैंक यू फॉर सेंडिंग द भूटानीज डेलीगेशन। थैंक यू। मैं आपसे बात करूँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, वहाँ लाइन भी नहीं लगी। नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि डिवाइडेड। वैसे देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो बॉलीवुड है ना, ये वर्ड ही गलत है, क्योंकि बॉलीवुड कुछ है नहीं। एक अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग किस्म का सिनेमा बनाते हैं, तो उनकी सोच एक जैसी कैसे हो सकती है? हम 5 साल में एक फिल्म बनाते हैं, आप देख लीजिए हमारा रिकॉर्ड, पीके के पहले 3 ईयर, 5 साल पहले थी मुन्ना भाई पर। कई लोग हैं जो एक साल में 5 फिल्में बनाते हैं, 10 भी बनाते हैं, तो उनकी सोच और हमारी सोच कैसे एक सोच हो? अलग है ना सोच भाई। देखिए, फिल्म की बुलिंग को आप भूल जाइए, किसी किस्म की बुलिंग ठीक नहीं। आप मुझे बताइए, मैं यहाँ भी आया हूँ और मुझे यहाँ कोई बुली करे या आपको कोई बुली करे, आप प्रेस वाले खड़े हैं और कोई आके आपको धमकाई करे, बोले हट जाइए, तो आपको लगता है सही है? तो कोई भी बुलिंग ठीक नहीं, चाहे वो सरकार की हो, चाहे वो प्रेस की हो, क्योंकि आप लोग भी बुली करते हैं। ये भी छाप दीजिएगा,
तो किसी की बुलिंग सही नहीं है। तो बुलिंग जो है वो वर्ड ही गलत है, वो होना है, और इन्हें डेमोक्रेसी ये होना ही नहीं चाहिए। देखिए सॉफ्ट टारगेट होता है क्योंकि उनकी फिल्में बाहर जा रही हैं, उनकी इंडस्ट्री नहीं है जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनके साथ सॉफ्टली बात करें, प्यार से बात करें, धक्कम शायद की कोई जरूरत नहीं है। समझ देखिए मैं ना ट्विटर पे हूँ ना फेसबुक पे हूँ, और ट्विटर पे होता क्या ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आजकल क्या है कि 10,000 रुपये खर्च के आप ट्रेंड कर सकते हैं, कुछ पैसे खर्च के फ्रंट पेज पे आ सकते हैं, प्रेस के सामने कह रहा हूँ मैं आपको। तो इसका मुझे कोई शौक नहीं है, ना मैं वो पढ़ता हूँ, ना मुझे उसमें ज़रा दिलचस्पी है। Yes, let's talk about Japan. PK is releasing in Japan on Diwali. हाँ तो ये thank you for asking me. ये बात कीजिए आप कि कैसे हमारा सिनेमा भारतवर्ष से दूर जा रहा है। PK ने चाइना में, जैसा आपको पता है, कई, मैं पैसों की कभी बात नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत बहुत लोगों ने फिल्म देखी PK, और अब जापान में देखने जा रहे हैं, चाइना में। ये हमारा सिनेमा, इसको देखिए आज आपने जो बात कही है, ये बात कोई कह नहीं रहा है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये वेयर आर सिनेमा इज दिस, दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन सिनेमा। इट वाज आल्सो द फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च ऑफ आमिर खान्स दंगल। डिड यू हैव अ चांस टू वॉच इट? आई वॉच्ड दैट ट्रेलर एंड आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल। आई रियली लाइक आमिर एज ए आर्टिस्ट एंड आई थिंक ही इज एक्सेलिंग हिमसेल्फ। डू यू थिंक दैट, यू नो, ही इज 50 इयर्स ओल्ड, यूजुअली सुपरस्टार्स डोंट वांट टू प्ले देयर एज एट दैट पॉइंट इन टाइम, टू प्ले अ कैरेक्टर हूज ओल्डर देन देखिए आमिर पागल इंसान है, और हम उसको इडियट कहते हैं, जैसे आपने थ्री इडियट्स में देखा, तो ऐसा काम कोई इडियट ही कर सकता है। एंड वो इडियट होना बहुत ज़रूरी है। इडियट अगर आप नहीं हैं तो आप ज़िंदगी में बस कुछ पैसा वैसा बटोर के अपनी शक्ल कहीं लगा के चले जाते हैं, इडियट्स रह जाते हैं। समझ भाई साहब आपका सवाल देखिए पाकिस्तान में मैंने इंटरव्यू दिया था टेलीविजन में, तो वहाँ पर काफी मेरे से पीके के बारे में बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा आपने पीके बनाई, आपको ये नहीं हुआ तकलीफ नहीं हिंदुस्तान, क्योंकि ये दोनों जो प्रेस भी है और लोग भी हैं, प्रेस खास कर नहीं समझता। तो फिर मुझे उनसे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि पीके में हमने कहा है सरफराज धोखा नहीं देगा, हाँ कहा मैंने, कहा पर एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि ये लाइन राजकुमार हिरानी, अभिजात जोशी और विधु विनोद चोपड़ा की लाइन है, इसकी लाइन के पीछे को खान नहीं है। जिस वक्त आप ये समझ जाएंगे वहाँ के लोग भी, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो बंटवारा हम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लंबे लॉन्ग रन में ये बंटवारे में कुछ होने वाला नहीं है। जितना हम लोग आपस में बैठ के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, और मैं कश्मीर से हूँ, मेरा घर लूटा गया था कश्मीर, मेरी माँ यहाँ एक हैंडबैग लेके आई थी और वापस नहीं जा पाई, तो मेरे अंदर भी तो ये होगा कि मेरा घर लूट गया, लेकिन उस लूटे हुए घर की वजह से और घर लूटूं उसका कुछ माने नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन ये मेरा जाती व्यू है, और मैं समझता हूं कि लॉन्ग रन में हर जितना हम लोग मिलजुल के सद्भावना के साथ आगे बढ़ेंगे उतना ही हमारा अच्छा काम। ऐसा पूछ लीजिए, इज नॉट माय फेस्टिवल, मामी फेस्टिवल, आई एम वन ऑफ द यू नो सर्वेंट्स ऑफ द फेस्टिवल, लेट्स पुट इट, but I wish you all well, I hope it does well, I hope people come and see you, thank you very much, thank you so much। chalo abhi cobra kare, ye bhai do kaam hai।